नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं नए टॉपिक नोबल गैस के साथ, जो वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नोबल गैस की अगर हम बात करते हैं तो वह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 का सदस्य है। ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट होते हैं वह नोबल गैस है, जिसे इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। जीरो ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल में या इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट सेल में जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से यह क्या होता है, स्टेबल होता है और यह किसी भी रिएक्शन में यह पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं नोबल गैस कौन कौन से हैं, तो वह है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑग्नेशन। हीलियम का सिंबल जो है HE है और उसका एटॉमिक नंबर 2 है। नियॉन का सिंबल NE और एटॉमिक नंबर 10 है। ऑर्गन का AR और एटॉमिक नंबर 18। क्रिप्टन का KR और एटॉमिक नंबर 36। जेनॉन का XE और एटॉमिक नंबर जो है वह क्या है, 54। रेडॉन की अगर हम बात करते हैं तो रेडॉन का सिंबल जो होता है वो RN है और एटॉमिक नंबर 86 है। ऑग्नेशन जो है उसको हम OG से डिनोट करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर 118 है। ऑग्नेशन जो है वो सबसे लेटेस्ट नोबल गैस है, जिससे मैनमेड एकमात्र नोबल गैस है जो मैनमेड है, मानव के द्वारा बनाया गया नोबल गैस है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हमें नाइट्रोजन गैस देखने को मिलता है, उसके बाद ऑक्सीजन देखने को मिलता है। अगर हम नोबल गैस में बात करेंगे तो नोबल गैस में ऑर्गन हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑर्गन का प्रतिशत की अगर बात करेंगे तो 0.93% है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है और ऑर्गन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी बहुत ही लो होती है। बहुत ही लो डेंसिटी होने के कारण यह क्या होता है, 400 किलोमीटर से ऊपर हमें पाया जाता है, क्योंकि यह हल्का गैस और हल्का होने के कारण यह ऊपर चला जाता है। रेडॉन गैस की अगर बात करेंगे तो रेडॉन गैस की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, तो डेंसिटी हाई होने की वजह से यह गैस हमें बहुत ही नीचे मिलता है। नोबल गैस की अगर बात करेंगे तो नोबल गैस जो होता है, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वह एकल परमाणविक होते हैं, यानी मोनो एटॉमिक गैस होते हैं। ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं, O2, तो O2 का मतलब क्या है, ये डाई एटॉमिक है। हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक है। अब हम डिटेल में बात करते हैं, एक एक करके जितने भी नोबल गैस है सबको हम डिटेल में बात करते हैं। हीलियम जो है, हीलियम सबसे लाइटेस्ट नोबल गैस है, हल्की अक्रिय गैस है। हीलियम लाइटेस्ट नोबल गैस है, सबसे हल्की अक्रिय गैस है। इसी का इस्तेमाल एयर बलून में भी किया जाता है। हीलियम का इस्तेमाल एयर बलून में किया जाता है, क्योंकि यह क्या है, अज्वलनशील गैस है, नॉन कम्बस्टिबल गैस है। स्क्यूबा ड्राइवर जो होते हैं, स्क्यूबा ड्राइवर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उनके जो O2 सिलेंडर होता है, O2 सिलेंडर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। O2 सिलेंडर जो होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो उनका होता है, उसमें 85% ऑक्सीजन होते हैं और 15% जो है वह हीलियम होता है। हीलियम एकमात्र अक्रिय गैस है जो बहुत लेस सॉल्यूबल होता है ब्लड में, जिसके वजह से इसका इस्तेमाल स्क्यूबा ड्राइवर जो है वो अपने O2 सिलेंडर में करते हैं। और इसीलिए लेस सॉल्यूबल होने के कारण ब्लड में जो ये लेस सॉल्यूबल है, इसीलिए O2 इनहेलर जो होता है, अस्थमा पेशेंट का जो O2 इनहेलर होता है, उनके O2 इनहेलर में भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग किया जाता है। सन के सरफेस पे, अगर सूर्य के सरफेस पे बात करेंगे तो हमें हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलता है, जो 3:1 में है। दूसरा नोबल गैस था नियॉन। नियॉन का NE से डिनोट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। नियॉन का ही इस्तेमाल डेंजर सिग्नल में किया जाता है, रेड कलर में, रेड लाइट पे जो हमें वो रेड लाइट दिखता है उसमें नियॉन गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में भी नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में वैसे ऑर्गन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कम मात्रा में नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है। बीकन प्रकाश, एम्बुलेंस के ऊपर जो लाइट लगी होती है उसे बीकन प्रकाश कहते हैं। बीकन प्रकाश में भी, बीकन लाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हमारे पास नोबल गैस है ऑर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली अक्रिय गैस जो है वह कौन सा है, ऑर्गन, जो हम पीछे भी जिक्र कर चुके थे। इसका ऑर्गन का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में, वेल्डिंग गैस में भी किया जाता है। लेकिन स्ट्रीट लाइट में जो येलो कलर हमें दिखता है वो सोडियम के कारण दिखता है, सोडियम वेपर के कारण दिखता है, न कि आर्गन के कारण। क्रिप्टन के उसके बाद हमारे पास कौन सा है, क्रिप्टन। नेक्स्ट नोबल गैस है हमारे पास क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है 36 और क्रिप्टन को हम लोग का सिंबल है KR। क्रिप्टन का इस्तेमाल फ्लैश लाइट, आजकल मोबाइल में जो फ्लैश लाइट होते हैं, फ्लैश लाइट में क्रिप्टन का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के जो फ्लैश लाइट होते हैं उसमें जेनॉन का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास नोबल गैस है जेनॉन, जिसको जिसका एटॉमिक नंबर है 54 और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल है Xe। जेनॉन को एक स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है, स्ट्रेंजर गैस, जेनॉन को एक स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है। एनिस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एनिस्थीसिया का, एनिस्थीसिया में हम लोग यूज करते हैं जेनॉन का। एकमात्र नोबल गैस है जो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है किसके किसके साथ, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। क्यों करता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक साइज है वह बहुत ही बड़ा, इसका एटॉमिक साइज क्या है, बहुत बड़ा होने के कारण यह फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसी वजह से यह ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट। नेक्स्ट हमारे पास नोबल गैस है रेडॉन, जिसका जिसका सिंबल होता है RN और इसका एटॉमिक नंबर होता है 86। ये सबसे भारी अक्रिय गैस है, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है, रेडॉन, हैवीएस्ट नोबल गैस। एटमॉस्फेयर में ये नहीं देखने को मिलता है, ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। ये एटमॉस्फेयर में एकमात्र ऐसा नोबल गैस है जो हमें एटमॉस्फेयर में नहीं देखने को मिलता है, ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। रेडियोथेरेपी जो होता है, रेडियो विकिरण कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट में रेडॉन का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे मशीन में भी रेडॉन का इस्तेमाल किया जाता है। एकमात्र रेडियो एक्टिव नोबल गैस है, एकमात्र रेडियो एक्टिव नोबल गैस रेडॉन है। और अर्थक्वेक जब भी होता है तो अर्थक्वेक के समय एटमॉस्फेयर में रेडॉन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थक्वेक के कारण एटमॉस्फेयर में रेडॉन की